हेलो। तो दोस्तों, क्या हाल चाल है आप सभी के? सब ठीक ठाक तो चल रहा है ना दोस्तों? हाल ही में शाओमी के जो इंडिया हेड हैं, उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट पे एक काफ़ी इंटरेस्टिंग पोस्ट करी, जो कि आप अभी स्क्रीन पे भी देख सकते हैं। तो उन्होंने अपने इस पोस्ट में यहाँ पर कंफर्म कर दिया है कि रेडमी नोट 9 प्रो इंडियन यूजर्स के लिए यहाँ पर लेटेस्टली एंड्रॉयड 11 का अपडेट रिलीज करना शुरू कर दिया गया है। तो अगर आपके पास रेडमी का नोट 9 प्रो है तो थोड़ा सा वेट कीजिए, बहुत जल्द बैच वाइज रोल आउट में आपके पास एंड्रॉयड 11 का स्टेबल अपडेट मिल जाएगा दोस्तों। काफी अच्छी बात है, लेकिन अभी यहां पर जो है शाओमी का सफर रुका नहीं है। और आपके मन में भी ये सवाल होगा कि भाई हमें शाओमी के अन्य डिवाइसेस में कब तक एंड्रॉयड 11 का अपडेट मिलने वाला है। तो यहां पर ऑफिशियली शाओमी ने कंफर्म कर दिया है कि जो नेक्स्ट 5 से 6 डिवाइसेस होने वाले हैं, जो कि अभी मैं आपको आगे चलकर बताऊंगा, तो उन डिवाइसेस में हमें एंड्रॉयड 11 का अपडेट बहुत जल्द मिलने वाला है। तो क्या आपका डिवाइस इस लिस्ट में है? इसको जानने के लिए आपको देखना होगा इस वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक। तो बिना टाइम वेस्ट के इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, यहाँ पर शाओमी ने ऑफिशियली ये चीज़ कंफर्म कर दी है कि जो शाओमी के 3-4 ऐसे डिवाइसेस होने वाले हैं जो कि इंडिया में लॉन्च हुए हैं। तो यहाँ पर रेडमी का नोट 8, रेडमी का नोट 8 प्रो और उसके बाद रेडमी का K20 प्रो, तो ये 3 ऐसे स्मार्टफोन्स हैं जो कि इंडिया में हमें लॉन्च होते हुए देखने को मिले हैं। तो ये इंडियन वेरियंट्स हैं, इन तीनों में हमें आने वाले टाइम में एंड्रॉयड 11 का अपडेट मिलने वाला है। अगर उसके नीचे आप देखेंगे तो बहुत लंबी लिस्ट आपको देखने को मिल जाएगी जो कि आने वाले महीनों में अभी कन्फर्म किए गए हैं एंड्रॉयड अपडेट के लिए, लेकिन ये सभी चाइनीज वर्जन है तो इनको चाइना में ये अपडेट मिलने वाला है। तो यहां पर मैं आपको एक और जो इंटरेस्टिंग और इंफॉर्मेशन जो है आपको यहां पर देना चाहूंगा कि शाओमी ने यहां पर ऑफिशियली ये चीज कंफर्म कर दी है, MIUI 12.5 का लॉन्च डेट हमें यहाँ पर बहुत जल्द आने वाली है। यानी कि जो MIUI 12.5 नेक्स्ट वर्जन है MIUI 12 का, तो इसका जो रिलीज है वो बहुत जल्द होने वाला है। तो इसलिए अगले हफ्ते से जो बीटा टेस्टिंग है वो शाओमी अपने MIUI 12 और एंड्रॉयड 11 के लिए स्टॉप कर रहा है। तो अभी तक हमें, मतलब आने वाले कुछ दिनों तक, हमें कोई भी बीटा टेस्टिंग शाओमी के किसी भी डिवाइस में देखने को नहीं मिलेगी। तो ऐसी हमें उम्मीद है कि दिसंबर के एंड के बाद हमें जो ये लिस्ट निकल कर आई है तो उसमें एंड्रॉइड 11 का बीटा स्टार्ट किया जाएगा। बाकी देखते हैं कब तक हमें इसके बारे में कुछ और इंफॉर्मेशन देखने को मिलती है। बाकी अगर इसके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन मेरे पास आती है तो मैं जरूर से आपको कम्युनिटी में पोस्ट करके बताऊंगा। तो इसलिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना जरूरी है। और इस चीज के बारे में आपकी क्या राय है, आपको क्या लगता है कि हाँ भाई इस टाइम हमें एंड्रॉइड 11 का अपडेट हमारे शाओमी के इन डिवाइसेस में देखने को मिल सकता है, तो आप नीचे जरूर से कमेंट करके बता सकते हैं। दोस्तों, ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें, हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलिए। अगर वहां पर भी आपकी कोई क्वेरी हो तो हमें मैसेज कीजिए, हम आपको तुरंत से रिप्लाई देने की कोशिश भी करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।